स्कूल छात्रा लक्ष्मी और सपना, और अब ये सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता विधवा महिला है। जैसा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत एकल महिलाओं को, विधवा महिलाओं को ये स्मार्टफोन दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता, मेरी पत्नी का नाम ही सुनीता है, इसलिए मैंने कह रहा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपने इतना अच्छा किया ना हमारे लिए, मैं बयान ही नहीं कर सकती शब्दों में कि आपने कितना अच्छा किया। ये फोन है ना, वैसे तो लॉकडाउन जब लगा था तो मम्मा ने मुझे फोन दिला दिया था, लेकिन अब ये जो फोन है ये मेरी मम्मी को दूंगी मैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी फोन नहीं है, हम बहुत परेशान होते हैं बात करने में। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये सभी बेटियां और ये जिन्होंने अभी अभी ये स्मार्टफोन प्राप्त किया है, माननीय के साथ एक समूह छाया चित्र, सभी अतिथिगण, राजस्थान सरकार की अनूठी पहल और ये सौगात प्रदेश की बेटियों को। अब कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाने और पात्र परिवारों को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आज शुभारंभ हुआ। ये योजना प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, आज बिरला ऑडिटोरियम के इस प्रांगण में ही नहीं, पूरे राजस्थान की बेटियां और वो महिलाएं जो इस योजना का लाभ जिन्हें मिलने वाला है, उत्सुक हैं, बेसब्री से इंतजार कर रही हैं माननीय के उद्बोधन का। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, श्री अशोक गहलोत जी। हमारे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश को अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद दत्तात्रेय जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, पीएचडी मंत्री मय जोशी जी, बजरीलाल जी यादव साहब, पीडब्ल्यूडी मंत्री टीकराम जूली जी, सोशल जस्टिस मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, ऊर्जा मंत्री, विधायक आदरणीय गंगा देवी जी, कृष्णा पूनिया जी, गोपाल मीणा जी, आलोक बेनीवाल जी, अमीन कागजी जी, चीफ सेक्रेटरी हमारी बहन श्रीमती उषा शर्मा, एचसीएच फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, डीएम जयपुर प्रकाश राजपुरी जी और हमारे एक्टिविस्ट निखिल डे साहब और तमाम उपस्थित इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी जिलों में जुड़े हुए हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रदेशवासियों और लाभार्थी। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो घोषणा मैंने की थी बजट के अंदर, वो आज मूर्त रूप लेने जा रही है। यही हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है, जो वादे हम करते हैं वो निभाते भी हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक 50% वादे पूरे हो चुके हैं
सितंबर तक पूरे 70 बंड वादे पूरे हो जाएंगे, दिसंबर तक 90 बंड के आसपास वादे पूरे हो जाएंगे। ये भी रिकॉर्ड होता है, इसलिए जो वादे हम कर रहे हैं, पहली बार जनता के आवाज़ आ रही है, खाली वादे किए नहीं आपने, धरातल पे भी वादे पूरे हो रहे हैं, कई सड़कें बन रही है, कॉलेज खुल रही है, पीएससी सीएससी जिला अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गांधी जी के नाम से, चाहे प्राइमरी को मिडिल किया हो, मिडिल को सीधा हमने सीधे सेकेंडरी स्कूल बना रहे हैं, 500 लड़के जहाँ मिलती है कॉलेज खोल देते हैं, सड़कें बन रही, 1,48,000 किलोमीटर सड़कें बन रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वादे किए हैं निभाए, ये आज का जो प्रोग्राम है इसका लंबे समय इंतजार था। 1,35,00,000 हमारी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं, उन सबको मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। हमारी मजबूरी थी कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय कोरोना के आने के बाद में एक चिप होती है, चिप जिससे मोबाइल फ़ोन चलता है, सिम नहीं, सिम अलग है, चिप होती है, उससे आजकल कारें चलती है ऑटोमेटिक, चिप होती है, उसके आधार पर ही मोबाइल फ़ोन चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, और चिप का कैशियर हो गया पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। उसके कारण से मोबाइल फ़ोन बनना बंद हो गए, कारें बिकनी बंद हो गई, कारें पड़ी रही कारखानों के अंदर सैकड़ों हजारों, बनती बनती बिना चिप के बाहर आ नहीं सकती थी। उस क्राइसिस के शिकार हम भी हो गए और इसमें देरी हो गई मोबाइल फ़ोन देने के अंदर। तो मुझे खुशी है कि आज हम लोग 6,800 रुपये प्रति मोबाइल इंक्लूडिंग उसका 20 GB का डाटा भी डाल रहे हैं उसके अंदर, और आज जो आप लोग पधारे हैं हमारी बहनें, उन तमाम बहनों के हाथों मोबाइल आ चुका है। आप हाथ खड़े करके बताइए मोबाइल आ गया क्या आपके हाथों में, बताइए। आप खुश हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रोग्राम चला है 40,00,000 महिलाओं को, अभी मैंने बजट में कहा है चरणबद्ध रूप से दे पाएंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद हम दे नहीं पाएंगे। तो 40,00,000 जहाँ विधवाएं हैं, निस्सहायजन है परिवार में, बच्चियाँ पढ़ती है परिवार में, उन परिवारों को पहले हमने सेलेक्ट किया है। इस रूप में हम चाहेंगे कि हर परिवार में मोबाइल फ़ोन पहुँचे, ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। आधुनिक 21st सेंचुरी चल रही है, जो राजीव गांधी जी ने कहा था, जब राजीव गांधी सेंट पीटरहेड को लेकर आए थे देश के अंदर और मिशन बनाया था आईटी का,